बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको दुनिया और आखिरत की भलाई अता फ़रमाए, आज के ट्यूटोरियल का आगाज़ करती हूँ। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ छोटे बच्चों का घर में मास्क बनाने का तरीका, और दूसरा जो है टिफ़िन बैग तैयार करने का तरीका। स्पानिश में इस टिफ़िन को मोचीला हम कहते हैं। एक गोल बाउल लेकर उसका मैंने कपड़े के ऊपर ड्राफ्ट बना लिया है जो कि 7 इंच बना है, तो मैं इसी तरह के 2 पीसेस काट लूँगी। अब इन दोनों पीसेस को एक दूसरे की मुखालिफ सिंथ में रख कर मैं इनकी तह लगाऊँगी। तह लगाने के बाद हम मास्क का जो ड्राफ्ट है वो तैयार करेंगे। अब पहले मैं जो है इसकी साइड्स का निशान लगाऊंगी, वो मैं 2.5 इंच पर रख कर इसका निशान लगाने लगी हूँ। तो 2.5 इंच पर अगर आप निशान लगाते हैं तो वो टोटल 5 इंच बनता है, ठीक है, क्योंकि कपड़ा दोहरा रखा हुआ है हमने। तो उसमें से तकरीबन दोनों साइड से आधा आधा इंच तो सिलाई में आ जाएगा, तो पीछे 4 इंच रह जाएगा। तो अब हम फ्रंट का निशान लगाएंगे जो कि मैं 3 इंच पर रख कर लगा रही हूँ। ये दोनों निशानात लगाने के बाद हम आपस में इनको मिलाएंगे, और इस सूरत में मिलाएंगे कि जैसे हम बे लिखते हैं ना, तो बे की सूरत में। ये देखिए, अब हमारा ये मास्क का ड्राफ्ट तैयार हो गया है। अब मैं इसकी साइड्स तैयार करूँगी। जैसा कि आपने तस्वीर में शुरू में देखा है, मैंने इसकी साइड्स अलग से लगाई हैं। कपड़े को मैं तह लगा लूँगी, इसकी 4 तहें हैं, तो 2 इंच चौड़ाई और 3 इंच लंबाई रखी है मैंने इसकी। ये देख लीजिए, मैंने इसकी 4 तहें ऐसे लगा ली। इसी सूरत में आप घर में तैयार कीजिए, चूँकि स्कूल में जो है बच्चे बहुत जल्दी तोड़ देते हैं। आम मास्क जो बाज़ार से मिलते हैं उनकी रबड़ बहुत कमज़ोर होती है, सो बेहतर है कि आप घर में तैयार करके दें। वॉशेबल भी होगा और जो है वो जल्दी टूटेगा भी नहीं। तो 1 इंच पर मैं ऐसे निशान लगाकर इसको तिरछा काट लूँगी। अब 4 तहों को मैं अलग कर दूंगी इसके काट कर। अब सिलाई करते हुए बहुत गौर से देखिए, ये फ्रंट मैं तैयार कर रही हूँ। दोनों साइड से मैं इसको सिलाई लगाऊंगी और फिर हम इसको सीधा करके देखेंगे कि इसका फ्रंट है। सिलाई हमेशा लगाते हुए जहाँ से आप स्टार्ट करते हैं वहाँ भी दोहरा टांका, और जहाँ पे एंड करते हैं उधर भी दोहरा टांका लगाएं ताकि टांका खुले नहीं। ये देखिए, सीधा किया है, मास्क हमारा बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो रहा है। अब हम साइड्स इसकी काट लेंगे। बाज़ार से भी आपको कपड़े वाला मास्क मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा महंगा मिलेगा। बेहतर है कि आप घर में कोई भी पीस पड़ा हुआ है तो आप उसको इस्तेमाल में लाएं और खुद तैयार करें घर में। अब मैं 2 चुनट डालूँगी छोटी छोटी। इसमें चुनट में जो है वो तकरीबन दोनों चुनटों में मिल मिलाकर 1/2 इंच कपड़ा आएगा, ठीक है। तो सिर्फ 1/2 इंच कपड़ा जो है चुनट्स के अंदर आएगा, ज़्यादा कपड़ा मैं चुनट्स के अंदर नहीं डाल रही हूँ। ये ऐसे मैंने मोटा टांका रख के ना, जिसको हम बड़ा टांका कहते हैं,
वो टांका रख के मैंने इसको जो है सिलाई को बिठा लिया है। तो अब हम जो साइड्स इसकी मैंने काट के रखी थी उसके साथ हम इस सूरत में दोनों को उल्टा रख के जोड़ लेंगे। ये देखिए इस सूरत में मैंने इनको जोड़ लिया है दोनों साइड्स को इसी तरह जोड़ के। अब हम इनको आपस में जो है जोड़ेंगे। अब जोड़ते हुए हमने ये ख्याल रखना है कि दोनों साइड्स की जो है अपोजिट साइड्स में रख के इनको एक तो जोड़ना है, दूसरा जो है एक साइड से आपने थोड़ी सी जगह सिलाई की छोड़ देनी है ताकि हम इसको सीधा कर सकें। ठीक है, अब सिलाई करने के बाद देखिए मैंने थोड़ी सी गुंजाइश छोड़ दी थी, इसको हम सीधा कर लेंगे इसे यहाँ से। सीधा करने के बाद अब देखिए मैंने वो जहाँ से मैंने सिलाई छोड़ी थी उसको मैंने अंदर ही करके इस्त्री कर ली है ताकि मुझे जो है आसानी हो जाए सिलाई लगाने में। हम बैरूनी सिलाई ऐसे ही लगा लेंगे चारों अतराफ में, क्योंकि मैंने थोड़ी सी गुंजाइश जहाँ से छोड़ी थी वहाँ से हमने बंद तो करना है, तो हम चारों साइड से उसको सिलाई लगा लेंगे। रबड़ मैंने ली है तकरीबन 6.5 इंच रबड़ ली है मैंने। रबड़ के दोनों कोनों को सिलाई से आपस में जोड़ लेंगे हम। इस तरह जोड़ने के बाद हम जो है इसको मास्क की साइड पे रख कर इस सूरत में हम सिलाई लगा लेंगे अंदर करके इसको। ऐसे देखिए बहुत ही आसान तरीका है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अब टिफ़िन बैग के लिए टॉप तैयार करेंगे। इसके लिए कपड़ा मैंने लिया है लंबाई में 13 इंच और चौड़ाई में 10 इंच लेने लगी हूँ। आप ये कपड़ा अपनी मर्ज़ी से लंबा या चौड़ा रख सकते हैं जिस कदर आप इसकी लंबाई चौड़ाई चाहते हैं। चूँकि मैंने टिफ़िन के लिए लेना है तो मैं इसकी लंबाई 13 इंच रख रही हूँ और चौड़ाई 10 इंच, और ऊपर से मैं 2 इंच पे निशान लगा रही हूँ ताकि हम इसमें जो स्ट्रिप डालेंगे उसके लिए हम यहाँ से काट लें। अब देखें हमने इसको 2 इंच इस साइड से काट लिया है। ये देखिए सूरत में आप भी काट लीजिए। अब मैं इसके फ्रंट में जो है पानी की बोतल डालने के लिए जेब बनाना चाह रही हूँ, तो उसके लिए मैंने कपड़ा लिया है चौड़ाई में 8 इंच और लंबाई में 9 इंच कपड़ा लिया है मैंने। अब इसको मैंने इस्त्री करके इसका जो सेंटर है उसकी निशानदेही कर ली है, ये देखिए। और जो निचली साइड होगी वहाँ पे मैं चुनट डालूँगी। चुनट के अंदर तकरीबन 1/2 इंच कपड़ा आ जाए और आसानी के लिए आप उधर इस्त्री इसे निशान लगा लें चुनट के ऊपर ताकि वो निशान पड़ जाए कि आपने यहाँ से चुनट डालनी है। तो आपकी आसानी के लिए मैं ये आपको इस्त्री करके दिखा रही हूँ कि इस तरह से निशान पड़ जाएगा और इजी हो जाएगा आपके लिए। और दूसरा तरीका ये है कि आप मशीन का टांका बड़ा रख लें और हाथ के साथ जो है चुनट डाल के वो उसको मजबूत कर लें। ऊपर वाले हिस्से को हम इस सूरत में रख के सिलाई कर लेंगे और निचले हिस्से को भी देखिए मैंने जो है मजबूत कर लिया है, बड़ा टांका रख के सिलाई कर लिया मैंने। 5 इंच मैंने रबड़ ली है, ये रबड़ हम ऊपर वाले हिस्से में डालेंगे ताकि वो जो है बोतल डालने में मुश्किल ना हो, फ्लेक्सिबल वे से वो अंदर डाल सकें हम।
ये रबड़ हम इस सूरत में डालेंगे ना, देखें कि रबड़ हम खींच के रखेंगे और ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे तो वो चुनट पड़ जाएगी, जो दिखने में भी बहुत प्यारी लगेगी और ये है कि वो फ्लेक्सिबल भी होगी, बोतल डालने में आसानी होगी। अब कपड़े को हमने दोहरा कर लिया और निशान लगा लेंगे, दोहरा करके हम इसके जो मिड का निशान है वो लगाएंगे। मोचीले का कपड़ा है ये, सूरत में मैंने मिड का निशान लगाया, हाफ में निशान लगा के हम इसका जो है निशान लगाएंगे हमने जहाँ पे इसकी जेब लगानी है फ्रंट में, ठीक है। अब बैग के नीचे से मैं निशान रख के लगा रही हूँ जी, तकरीबन 1.5 इंच के फासले पर मैं इसको रख रही हूँ नीचे से, क्योंकि ऊपर से हमने स्ट्रिप डालने के लिए भी सिलाई लगानी है, तो ये ख्याल रखना है कि हम बहुत ऊंचा ना लगा दें इसको। तो ये निशान लगा लें यहाँ से पहले कि हमने कहाँ पे निशानदेही कर लें कि कहाँ से हमने इसको स्टार्ट करना है और कहाँ पे हमने इसका एंड करना है, और इस तरीके से आप नफासत से सिलाई लगाते जाएं, स्टार्ट और एंडिंग में आप दोहरा टांका रखें ताकि वो टांका टूटे नहीं, ठीक है। ये आप तरीके को बिल्कुल इसी तरह फॉलो करें, इंशाल्लाह बहुत प्यारा मोचीला तैयार होगा बच्चे का। कोने से हमने टर्न कैसे लेना है ये गौर से देखिए, सुई जो है मैंने अंदर कर दी है कपड़े के और हमने टर्न ले लिया है। अब इस कोने से भी हम कपड़े को पहले दोहरा करेंगे, ये देखिए सूरत में दोहरा किया और इसके कोने में हम ले जाकर सुई कपड़े के अंदर एंटर करके हम इसको मोड़ लेंगे इस सूरत में। मास्क कुछ स्कूल्स में कह रहे हैं कि जी प्ले ग्रुप से ही लगा के आएँ, और कुछ कह रहे हैं जी 6 साल से ऊपर वाले बच्चे लगा के आएँ। तो पहले 12 साल का कहा था तो 12 साल का हिदायतनामा ख़त्म हुआ है जी। अब स्कूल जो हैं वो अपनी पॉलिसी के हिसाब से कर रहे हैं, जो कि कुछ का ये कहना है कि वो स्टार्ट से करवाएंगे और कुछ जो है 6 साल से ऊपर, ये डिपेंड करता है हर स्कूल पर। ये कपड़ा मैंने दोहरा रख लिया है, उसको सिलाई लगा लेंगे। इस सूरत में आप भी दोहरा रख के सिलाई लगा लें, क्योंकि हमने स्ट्रिप डालनी है तो कोनों में हम ये जो है इसकी स्ट्रिप डालने के लिए हम ये पाइप सा लगाएंगे। इसके मैंने 2 टुकड़े कर लिए, क्यों ये मैंने तैयार किया था तकरीबन था ये 3 इंच, ठीक है। तो ये सिलाई की निशानदही के हम सिलाई लगाएंगे और कोनों में ये हम रख लेंगे इसको दोहरा करके। ये देखिए इस सूरत में ये दोनों कोनों में हम इसको रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। चाहे तो आप पिन अप कर लें पहले और चाहे तो आप साथ साथ रख के लगा लें, ठीक है। ये मैं साथ रख के लगाने लगी हूँ ये। अब उसी सूरत में हमने कोने को कोने से टर्न लिया है और दूसरे कोने में भी हम इसी तरह दूसरा पाइप रख के लगा लेंगे। अब मोचीले को सीधा करके चेक करें, ये देखिए दोनों कोने तैयार हो गए हैं। अब हम इसका जो है स्ट्रिप डालने के लिए ऊपर से हम कपड़े का जो हम नेफा कहते हैं अपनी ज़ुबान में वो तैयार करेंगे। बहुत आसान तरीका है नेफा तैयार करने का, आप इसी तरह से दोनों साइड से जो है सिलाई लगा लें।
मोचिले के साथ पानी की बोतल की जेब इसलिए बना रही हूँ कि पहले तो ग्लास मांगते थे स्कूल में बच्चों के लिए डेली पानी पीने के लिए, लेकिन इस साल जो है ग्लास नहीं लेके जाना है बच्चों ने, वो बोतल मांगी है उन्होंने पानी की। तो ये आसान होगा बच्चों के लिए कि वो पानी की बोतल उसमें डाल के ले जाएं। और एंड पे हम जी नेफे की तैयारी कर लेंगे, नेफे की सिलाई लगाएंगे। ये देखिए नए सीखने वालों के लिए बहुत आसान तरीका है, इजीली आप बना सकते हैं घर में। कोई भी कपड़ा आपको पसंद हो वो ख़रीदे, बच्चे के लिए घर में बनाएं। ये मोचीला मैं अपनी बेटी के लिए तैयार कर रही हूँ, उसका मैंने पिंक कलर लिया है, बेटे का भी बनाया है उसका डिफरेंट कलर में है। तो ये देखिए हमारा नेफा तैयार हो गया। अब हम स्ट्रिप लेंगे एक, ये मैंने ली है जी 2 मीटर, ठीक है, और उसका हाफ कर लेंगे हम। अब हम इसको नेफे से गुजार कर इसकी जो है पाइप में डालेंगे और इसकी गिरा लगा लेंगे, ठीक है। दोनों साइड से हम सेम तरीके से करेंगे। ये दोनों साइडों से डालने के बाद हम रस्सी को पाइप से गुजारेंगे और घेरा लगा लेंगे। घेरा लगाने के बाद आप चाहें तो इसको घेरा को बाहर ही रहने दें, अगर आपको बाहर नहीं पसंद है तो आप इसको जो है खींच के घेरा नेफे के अंदर कर दें, बाहर नज़र नहीं आएगी। ये देखिए इस सूरत में आप इसको अंदर कर लें। उम्मीद करती हूँ कि आज का ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। तो मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे प्रोग्राम को सब्सक्राइब कर लीजिए और दिए गए बेल आइकन को क्लिक कीजिए। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए। दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने का। अल्लाह हाफिज़।